22 तारीख है, सुबह से ही सबकी निगाहें टेलीविज़न के ऊपर टिकी थी, निगाहें टिकी थी, उम्मीद टिका था, टिकी थी अदालत के ऊपर कि जिस तरह से पटिशन पड़ी है CAA और NRC के ख़िलाफ़, अदालत उस पर क्या फ़ैसला सुनाएगी, किस तरह उसकी सुनवाई करेगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आप उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं उसके फ़ैसले से? नहीं, जाहिर सी बात है, खुश होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज मामला ऐसा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जो आज फैसले हुए हैं उसका आर्टिकल मैंने पढ़ रहा था, तो ये जजों ने, जिन लोगों ने बैठ कर फैसला लिया है, उस कोर्ट रूम में किसी एडवोकेट को अलाउड नहीं था आना। ये फैसला इन लोगों ने एकदम हाईली सिक्योर्ड रूम में लिया हुआ है, जिसमें इन्होंने फैसला लिया और इन्होंने वायरल कर दिया। जो चीफ जस्टिस मिस्टर बोबड़े सर हैं, उनका अगर आप बैकग्राउंड रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, वो खुद बीजेपी सपोर्टर हैं, जिन्होंने CAA पास किया। रामनाथ जी ने जो, जब कैब था, कैब जब CAA में कन्वर्ट हुआ, जो रामनाथ जो मिनिस्टर हैं, जो खुद दलित हैं, जिन्होंने CAA को पास किया, वो खुद बीजेपी के लीडर हैं। तो आप इनसे क्या, हम तो इससे इनके फैसले संतुष्ट है नहीं ना, हमको ये उम्मीद थी, हम पहले से जानते थे, लोग ये फैसले आने से पहले से जानते थे कि यह फैसला जो है बीजेपी के सपोर्ट में जाएगा, क्योंकि अब तक के जितने मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मेजॉरिटी मुद्दों को इन लोगों ने बीजेपी के फेवर में डाला, और अब तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आज आया है। अगर आप यूपी के रिकॉर्ड्स देखेंगे, यूपी के रिकॉर्ड्स के अंदर, तो यूपी में CAA के जो एक्शन जो चालू हुआ, इन लोगों ने कार्रवाई और डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया पहले से ही। 2 हफ्ते हो गए इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया है। सर आप बताइए, आप क्या कहेंगे, आपको उम्मीद थी, यही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही फैसला देगा? हाँ, यही उम्मीद है, हम लोग को हमारे अगेंस्ट ही फैसला देगा ना। न्यूज़ देख रहे होंगे आप भी, इंतज़ार कर रहे होंगे, न्यूज़ भी देख रहे हैं, और बाकायदा मतलब कि हमको, हमारी ये सोच थी कि मतलब इंसाफ होगा, मगर इंसाफ एक तरफा तो हुआ है क्या, जो मतलब एक तरफ मेजोरिटी है पब्लिक की एक तरफ, और एक तरफ मतलब ये बीजेपी है, तो बीजेपी के सपोर्ट में मतलब फैसला गया है, क्या जाना चाहिए था पब्लिक के हक में। भरोसा काफ़ी टूटा होगा अदालत से? हाँ, भरोसा तो मतलब टूट ही गया ना एक हिसाब से, कि मतलब एक तरफ पूरा मुल्क है और एक तरफ मतलब बीजेपी है या RSS है, तो फैसला एक ही तरफ जा रहा है, पब्लिक मतलब के बेवकूफ़ है सब, जो बेचारी मतलब प्रोसेस कर रही है सब। नहीं, एक्चुअल में देखिए, 144 पटिशन फाइल हुए थे CAA के खिलाफ। अब ये 144 पटिशन जो फाइल हुए, कि सबके सब लोग गलत हैं, आपने 144 पटिशन के अगेंस्ट में कोई आंसर नहीं दिया। 144 पटिशन सब तो होल्ड पर हैं, और इन लोगों ने फैसला सुना दिया। फैसला भी सुना है ये कि 4 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया सेंटर्स को टू रिवोट ऑन द पटिशन। इनका स्टेटमेंट ये है कि 4 हफ्ते में इन्होंने फैसला बदलने की बात नहीं की है, मतलब ये 1 महीने से ऊपर हो गया है। शाहीन बाग के अंदर जो औरतें प्रोटेस्ट कर रही है, वो सारे लोगों का प्रोटेस्ट बेमतलब रहा। पूरा मुल्क, मेजॉरिटी मुस्लिम, मेजॉरिटी हिंदू, सारे लोग उतर पड़े रोड पर, और 15 दिसंबर के बाद से लेकर अब तक नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सारे प्रोटेस्टर्स गलत हैं, सारे एक्टर्स गलत हैं, सारे स्टूडेंट्स बेवकूफ़ हैं, सारे वेल एडुकेटेड लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन लोगों के सारे प्रोटेस्ट एक तरफ रह गए और इनका फैसला एक तरफ। ये फैसला कोई मतलब का ही नहीं बना। ये जो 4 हफ्ते के बाद जो सरकार को कहा है अपनी लिखने के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? इन लोगों ने 4 हफ्ते बाद क्या कहा पब्लिक पहले वो जान लें। 4 हफ्ते बाद इन लोगों ने कहा है कि 5 जजमेंट होगा। 5 जजमेंट में क्या होगा कि ये लोग जो पटिशन्स फाइल हुए 144 पटिशन्स, उसके खिलाफ आंसर्स करेंगे। अब उस पर आंसर क्या दोगे आप? पटिशन्स फाइल होना, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं होता है। और इसमें बड़े बड़े स्टेट्स, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हम लोगों ने तो यहाँ के उद्धव ठाकरे जी ने मना कर दिया, केरला वालों ने मना कर दिया, जब इस फैसलों को मानने से यहाँ के स्टेट मिनिस्टर्स ने मना कर दिया है, उसके बाद आप ये लॉ पास करना क्या चाहते हैं? अब होगा कुछ नहीं। अब ये लोगों ने जो ये फैसला पास कर दिया है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये क्या होगा, पब्लिक जो प्रोटेस्ट कर रही है ना, अब वो मरने मारने पे आ गई है। आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक वॉर की सिचुएशन इंडिया में क्रिएट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि इस मुल्क के अंदर जो लोग हिंदू मुसलमान एक अमन अमान से जी रहे थे सुकून से, जो बेचारा रोज़ाना जॉब पे जा रहा है, कमा के अपने घर वालों की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है ना, आप चाहते हो कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अब वो लोग लड़ने पे लगे। नुकसान किसी का, नुकसान पब्लिक का होगा, होगा यही कि अब जो शाहीन बाग में औरतें बैठी हैं, वो गुस्सा और बढ़ेगा उनका, क्योंकि 15 दिसंबर से लेकर आज 22 जनवरी है, यहाँ पर बॉम्बे में कुछ, वहाँ की ठंडियों में, यहाँ की ठंडियों में फ़र्क देखिए, वहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ की लड़कियाँ, औरतें, बच्चे, 2-2 महीने के बच्चों को लेकर औरतें बैठी हुई प्रोटेस्ट में, सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि कोई होना जाना नहीं है सुप्रीम कोर्ट वगैरह से या किसी अदालत से, जनता को जिस तरह से अपना विरोध कर रही है उस तरह से करते रहना चाहिए, आप ये मानते हैं? हमारे पास विरोध के अलावा ऑप्शन क्या है? हमारे पास विरोध के अलावा ऑप्शन कुछ नहीं है। हमारे सामने मुद्दा यह है कि इन्होंने CAA का मुद्दा हमको दे दिया, पूरा देश उसी में लगा पड़ा है।
किसी को, आपने ना इकोनॉमी पे बात कर रहे हो आप ना और दूसरे मुद्दों पे बात कर रहे हो। आपने एक देश को मुद्दा दे दिया खेलने के लिए, 15 दिसंबर से लेकर आज 22 जनवरी पूरा देश इसी में खेल रहा है। आपकी आवाज़।